गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे आज है सैटरडे और सैटरडे को तो कोई छुट्टी भी नहीं है, पर श्रेया इतना देखो तैयार हो रखी है। क्यों? क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं, तो वो अभी हम बताएंगे नहीं, वो आगे आप हमारा ब्लॉग पूरा देखना, पूरा ब्लॉग एंड तक लगे रहना तो आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो आज मैं, श्रेया, दीपांश और इसके पापा, और मैंने रास्ते में कुछ लेना भी है मुझे, वो भी मैं दिखाऊंगी कि मुझे क्या लेना है। तो फ्रेंड चलिए, आप में हमारे ब्लॉग में आप पूरा लगे रहना लास्ट तक, तभी पता चलेगा कि है क्या, कहाँ जाने वाले हैं, किसको लेने वाले, क्या करने और वाले क्या करने वाले, किसके पास जाने वाले हैं। कोई जगह नहीं घूमने जाने, किसी के पास जा रहे हैं। तो आप फ्रेंड्स बस हमारे ब्लॉग में लगे रहना। तो अभी तो सारा काम हो गया, मतलब ये नाश्ता करके चले गए थोड़ा सा सेविंग करवाने के लिए। दीपांश नहा रहा है, श्रेया तैयार हो गई और मैं रह गई हूँ तैयार होना। तो अभी मैं तैयार होंगी, अभी तो मैं तैयार हो रही, तब तक गाड़ी भी आ जाएगा। तो फिर गाड़ी से हम चलेंगे आज, क्योंकि बहुत गर्मी है और गर्मी में स्कूटी से जाना तो बहुत मुश्किल की बात है, इसलिए गाड़ी आएगा तो गाड़ी से चलेंगे। तो अभी इन सबको पहले मैं नाश्ता दे देती हूँ। और फ्रेंड्स एक बात और है, आज हमारा ब्लॉग हो सकता है लंबा, तो इसको मैं दो भाग में बांट दूंगी। तो मैं, आप दोनों पार्ट जरूर देखना है इसको, कि क्या कहते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। आप एक पार्ट देखोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आप दो पार्ट देखना जरूरी, तब समझ में आएगा। आप लोगों ने वाटर पार्क वाला देखा था तो एक पार्ट में समझ नहीं आता, हमने दूसरा देखा ना, वैसे ये वाला ब्लॉग। और फ्रेंड्स प्लीज, हम इतने मुश्किल से बनाते हैं थोड़ा मोड़ा ब्लॉग, मतलब एक तो समझ में नहीं आता, पर टाइम पास करने के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा है कि चलो थोड़ा सा इसमें मन थोड़ा ध्यान लगाया जाए। हम चाहते हैं कि हम अपने एंटरटेनिंग के लिए जो खोल रहे हैं वो आप लोग भी एंटरटेन करो, आप लोग भी हमारी व्लॉग्स को देखो, सब्सक्राइब करो, जितने हमारे व्यूज है इससे बहुत कम हमारे सब्सक्राइबर है। तो फ्रेंड्स प्लीज़, आप हमारा ब्लॉग ज़रूर देखो, और अगर कुछ भी, अगर मतलब जैसे आप जो भी देख रहे हो, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, उनको मतलब अगर कुछ समझ में आता है कि नहीं कुछ नए पे बनाना चाहिए ब्लॉग, इस टॉपिक पे बनाना चाहिए, तो कमेंट करके बताओ हमें कि किस चीज़ पे टॉपिक पे बनाए, हम तुरंत ले आएंगे। तो अगर मेरे से हो सकेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स बिल्कुल मैं कोशिश करती हूँ कि नई से बिल्कुल अच्छा से अच्छा बने। तो प्लीज़ अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना और आगे तक ब्लॉग देखते रहना, और आज बिल्कुल मिस मत करना। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह के 11:10 और दीपांश को देखो नहा हुआ कि एकदम तैयार है, कपड़े पे चाय न गिर जाए इसलिए। और इस श्रेया को देखो टॉवल लगा के कैसे नाश्ता कर रहे हैं, और इसका भी वाइट कलर का कपड़ा खराब ना हो जाए इसलिए कैसे कर रहे हैं। और ये, और तुम दोनों कर रहे हो रसोई में, है ना, बिल्कुल गंदी बात है ये, बिल्कुल नहीं करना चाहिए नाश्ता, करना चाहिए दीपांश। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ फिर तैयार होने के लिए, तो पहले मैं कपड़े निकाल, दीपांश तो भाई इस कमरे में मैं कपड़े निकालने आती हूँ, पर गर्मी इतना लगता है, अगर जिस कमरे में सिर्फ पंखा रहे उस कमरे में होता है कुछ चल नहीं रहा है, और यही पंखा भी अब थोड़ा स्पीड तेज हुआ है, और यही पंखा भी ठंड में रहता ना तो इसी में बहुत ठंड लगता है। मेरा फेस पे देखो कितने दाने हो गए, अब उड़ गया। तो फ्रेंड्स मैं तो तैयार अभी हुई नहीं हूँ, अभी मतलब मैं तैयार होना है, थोड़ा मेकअप मैंने, थोड़ा मेकअप अच्छा है, और बहन गुड़िया का बाल बन रहा है यहाँ पे। तो देखो इसका बाल का हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, अभी इसको मैं छोटी बना दूंगी, गर्मी बहुत है इसलिए छोटी बना दूंगी, दो छोटी वाली। अभी बज गए हैं 12:30,
तो अभी मैं हम तैयार होने में थोड़ा टाइम लग रहा मैं है, पकड़ू तो कैसे? मैं इसको मैंने ऐसे पकड़ा दिया है देखो, पकड़ू कैसे? और यहाँ पे कंघी भी अटकी हुई है, देख सकते और हो। यहाँ पे कंघी भी अटकी हुई है, सारा चीज इसको मैंने पकड़ा दिया, ऐसे ही मैं करके पकड़े रहना आप। अब ये कंघी मेरे जेब में आकर अटक गई। ऐसे ही रहना, मैं रबड़ निकाल रही हूँ। मैं बहन को दिखा रहा हूँ, बहन पीछे मुड़ो। ऐसे अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स अब मैं भी तैयार हो रही हूँ। मैं ऐसा मैंने दो रबड़ ब्लैक कलर के निकाला है, नहीं व्हाइट रबड़ नहीं है, ब्लैक ही तो था, तो ब्लैक मैंने मैचिंग का निकाल लिया है। इधर दिखाने का, तो अभी मैं इसको छोटी छोटी कर बना रही देना। हाँ इसको छोटी कर देती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। हाँ ये ना दो छोटी वाली बिल्ली है, नहीं एक छोटी बनाना है मुझे ऐसे। तो ये एक छोटी वाली बिल्ली है, तो गाइस ये एक छोटी वाली बिल्ली है ना मम्मा? छोले बना ले जो बड़ा नीचे होता है। हम सबकी तैयारी हो रही है इतनी देर से, है ना मम्मा? और मम्मा आपका हो गया? आप तैयार हो गए? फिर अभी भी मेकअप बचा है? नहीं बेटा मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया है बस, अभी और करेगी फिर ड्रेसिंग करेगी। तो हम सब इतनी देर से, मैं देखो आज मैं भी तैयार होके बैठा हुआ हूँ। लड़कों को कितना टाइम लगता है तैयार कुछ होने? नहीं ना हो, बस 2 मिनट में नहा लूंगा, उसके बाद मुंह धो लूंगा, और मुंह धोने के बाद मुंह में कुछ भी क्रीम लगा लूंगा, उसके बाद कपड़े पहन लूंगा, बस हो गया था। और लड़कियों का बताऊं? बता दो उनको, फाउंडेशन लगाना है, लिपस्टिक लगाना है, मेकअप करना है, और वो कपड़े पहनना है, और कपड़े चूज करने में भी टाइम लगाना है, और उसके बाद कपड़े पहनने के बाद फोटोज खींचनी है, उसके बाद पहुंचने में भी आधा टाइम लग जाएगा, है ना मम्मा? इतना टाइम वेस्ट हो रहा है आज। और अब हम देखते हैं कि अभी मम्मा का क्या हो रहा है। इतनी सारी रबड़ बैंड निकल रखे हैं यहाँ पे, तो हम देखते हैं अभी एक दो यार में गिन भी नहीं सकता है कितनी सारी रबड़, पता नहीं ये सब क्या, इन सब को आज मुझे नहीं पता कितना टाइम वक्त लगने वाला है। मम्मा आ जाओ, ये देखो ये पर्पल है, अब ये हो गया है। अब देखो इसको मैंने यू कर दी हूँ। हाँ मम्मा से चोटी बनाना सीखो सर, चलो। और फिर मुझे रबड़ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मम्मा अपने रबड़ छुपा देती है। और ऐसे ये देखो कि ये वाला रबड़ लगाएगी, नहीं ये वाला, ये इस पेंसिल एक दिन मैम हो गया ना। मम्मा हेयर स्टाइल में माहिर है, हम कहीं पर भी जाते हैं मम्मा हेयर स्टाइल बना दी, तो पार्लर वाले भी बना, मम्मा बहुत अच्छी हेयर स्टाइल बनाती है। उस दिन हम लोग शादी में लाइफ में बाल में ऑयल लगा था, फिर भी मम्मा ने ये देखो। और इसको मैं इस पूरा कलर कर दूँ, और मैं इसको इसमें रख दूँ, तो जिसको हेयर स्टाइल बनाना है मम्मा के पार्लर में आ जाओ, मम्मा फ्री है। फ्री फ्री में हो जाएगा, फ्री में नहीं पैसे लगेंगे। हाँ। और पैसे पता है किसके लगेंगे? दीवान बाथरूम में खरीद के उधर लेकर आई हूँ चीजें। देखो कितने ध्यान से देख रही हूँ कि कहीं बिगड़ा तो नहीं है। इतने सारे वर्ड बोल दिए। दीपांश फोन दिखाओ जल्दी दिखाओ, लो रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे नहीं, श्रेया का हेयर स्टाइल देखना, और ये भी करो ये भी करो। हेयर स्टाइल में ये मैंने ऐसे कर दिया है कि इसको रबड़ पता ना चले कि रबड़ लगा रखा
ये बाकी नीचे का पता चल रहा है, बाकी नीचे का पता चले ही चलेगा पर ऊपर का नहीं पता चलना चाहिए। और देखो इसका कितना अच्छा लग रहा है इसके फेस पे। हाँ, मैं जब बड़ी मामा के घर जा रही थी तो वो रोज मेरे ऐसे हेयर स्टाइल बनाती थी। तो फिर अब मेरा बाल तो सूख गया है और मैंने नेल पेंट भी लगा लिया है, सनस्क्रीन लगा ली हूँ। अब मुझे मुझे तैयार होना है, पता है मैं तैयार होने में क्यों लेट कर रही हूँ। और ने तो अब मुझे तैयार होने में क्यों लेट लग रहा है ना, क्योंकि मुझे जाने वक्त ना ड्रेस चाहिए, कपड़े चाहिए। और मैंने अपने मेरे कपड़े खरीदे लिए हुए थे जो कि मैंने मंगवाए हैं अभी। कौन कौन इसको जानता है? तो फ्रेंड, और देखो मैंने एक बाल बनाया, देखो इसको, ये तो पूरा रेडी हो गई है। पर हम क्या करें, गाड़ी अभी तक आया नहीं है ना, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। भी साफ कर लिए इतने में। और मैंने अपने लिए टीवी चालू कर रखा है। और इसको ये बोर होकर फिर अपने लिए टीवी चालू कर लिया है ये, और मुझसे फोन मांग रहा है ये कुछ लगाने के लिए। रिमोट मैंने तोड़ दिया। देखो मम्मा भी, मम्मा ने अब अपना मेकअप कर लिया कम्प्लीट। हल्का बिल्कुल, मुझे आई शेड ये सब लगाने मतलब उतना खास पसंद नहीं है, पार्टी ये सब में ही मैं लगाती हूँ। बिल्कुल हल्का हल्का मैंने लाइनर और फेस पाउडर हल्का हल्का लगाया है, क्योंकि पता नहीं क्या है फेस पे आजकल कुछ सूट नहीं करता है। मेरी मम्मी की नेचुरल ब्यूटी इतनी अच्छी है कि लगाने की जरूरत नहीं, इतनी अच्छी नेचुरल ब्यूटी है। नहीं भी करती है तब भी कितनी सुंदर लगती है ना, हर वीडियो में बिना चश्मा दे दो, टूट जाएगा मेरा चश्मा भाई। मेरा चश्मा हो गया अब से, ये मेरा है। इसके बगैर मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ।